सरगर्मियां इतनी तेजी से बढ़ चुकी हैं कि यहाँ हिमाचल की ठंड भी चुनावी गर्मी के आगे थोड़ी कम नजर आती है। हम लगातार अपने इस खास कार्यक्रम हिम का ताज में मुलाकात कर रहे हैं तमाम नेताओं से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिग्गज नेता, हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता महाजन जी, और इस वक्त वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के। हर्ष महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। हर्ष जी, यहां शुरुआत करें अगर हम पार्टी के मुद्दों को लेकर, क्योंकि पार्टी 5 साल से सत्ता से दूर रही है, तो इस बार जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी नई चीजें आपकी पार्टी लेकर आई होगी ताकि जनता को लुभाया जा सके, तो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, इनमें काम करने का ढंग जो है ये बहुत अलग अलग है। मैं कह सकता हूँ अपनी पार्टी के लिए, जब हमारी सरकार रही तो हमारी जो गवर्नेंस का जो तरीका है वो बहुत अलग है। हमारा और बीजेपी का जो गवर्नेंस का तरीका है वही ऐसा मेजर डिसीजन है, अंतर है कि लोग उसी के आगे उसी को देखते हैं और उसी को उसी से अंदाजा लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 5 साल का इतिहास रहा है उसमें उनकी नॉन डेवलपमेंट, नॉन परफॉर्मेंस, काम ठप, और ये चीजें सबसे बड़ी हिमाचल के लोगों को फर्क पड़ती है। जो स्कैंडल्स हैं वो तो अलग बात है, कभी वो चारों तरफ स्कैंडल चलते हैं, वो हम कह सकते हैं इनके ऊपर बहुत स्कैंडल है, वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है हिमाचल की जनता में, क्योंकि हिमाचल की जनता में 80% से ज़्यादा लिटरेसी है। इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेसी स्टेट हिमाचल है, अखबार पढ़ते हैं, छोटी सी स्टेट है, 60-65 लाख पॉपुलेशन है, तो हर जो आदमी है उसको पता है आज इसके घर में क्या आ रहा है, सरकार के घर में क्या आ रहा है, और क्या नेता कैसा कर रहा है और नेता कैसा। लेकिन हर जी, यहाँ तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जब पढ़ा लिखा मतदाता हो जाता है तो बड़ी जल्दी लुभावने वादों में नहीं आता, उसे आप नहीं, उसे चाशनी में डुबोकर आप वादे नहीं परोस सकते, वो जानता है हकीकत क्या है। बिल्कुल ठीक है, मैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ कि लिटरेसी रेट से क्या है कि जो पॉलिटिशियन है, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वो यहाँ की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। वहाँ उसको कोई पॉलिटिशियन ये समझे कि आज मेरे घर में क्या हो रहा है, किसी को बाहर नहीं पता लगेगा, तो बहुत गलत फहमी है। यहाँ हर आदमी हर पॉलिटिशियन को जानता है और उसको तोलता भी है, नापता भी है, और उसको पता है कि उसके घर में क्या आ रहा है, उसके दफ्तर में क्या आ रहा है और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो ये जो एक पहले जो इतनी लिटरेसी नहीं थी तो एक भेड़ चाल चलती थी, अब ऐसी भीड़ चाल नहीं चलती। यानी कि कांग्रेस इस बात को मानती है कि इस बार भीड़ चाल नहीं चलने वाली है, इस बार जो जमीनी हकीकत है उसी पर आपको वोट मिलेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में तो दिक्कतें कांग्रेस के लिए बढ़ जाएंगी। हर जी, जिस तरह से नेतृत्व पर आरोप लग रहा है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के आरोप इस वक्त कांग्रेस झेल रही है, और खासतौर से अगर हम बात करें खुद आपके जो अगुवा है उन पर ही आरोप लगने वाली। देखिए, आरोप और काउंटर आरोप तो लगते रहेंगे, अब एंड में क्या फैसला होता है कोई पता नहीं। अब सारी बात यह है कि अगर वीरभद्र सिंह जी पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वीर यहाँ धूमल साहब का मेन निशाना जो है वो है वीरभद्र सिंह, जो पार्टी मुकाबला भी प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के बीच ही है। बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा ही है, और वो सोचते हैं धूमल साहब कि किसी ना किसी तरह से वीरभद्र पे कोई ना कोई आरोप उनके लग जाए तो मेरा काम बहुत आसान होगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जब पिछली सरकार थी इनकी 98 से 2003 तक, तब भी एक इन्होंने 32 केस वीरभद्र पे अलग अलग लगाए, 32, और सीबीआई को दिए, और वहाँ सेंटर में भी इनकी सरकार थी जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो यहाँ से डेलीगेशन गई जिसमें धूमल साहब खुद गए और 32 आरोप जो है वीरभद्र सिंह जी के ऊपर लगाए, सीबीआई की इंक्वायरी हुई। और हैरानी की बात यह है कि अभी उन्हीं के राज में इलेक्शन से 6 महीने पहले 32 के 32 आरोपों में वीरभद्र सिंह जी को क्लीन चिट मिली, और अब वही आरोप कभी दोबारा शुरू कर देते हैं, कभी तीसरी दफा बोलना शुरू कर देते हैं। तो लोग एक तरफ जान गए हैं, देखिए वीरभद्र सिंह एक राजा आदमी है, पुराना आदमी है, 50 साल की राजनीति होगी, 18 साल तक वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, सेंटर में 2 दफा मिनिस्टर रहे, आज उनकी लाइफ ऐसी है कि 50 साल में जो उनकी जमीन जायदाद थी उससे 1 इंच या 1 आगे नहीं बढ़ी, ना उन्होंने खरीद फरोख्त की, ना कोई उन्होंने कोठी बनाई, हजारों एकड़ जमीन जो है उन्होंने जब लैंड सीलिंग लगी तो गवर्नमेंट को गई। अगर उनके होम टाउन में जाइए आप रामपुर में, अभी भी बस स्टैंड से लेके कई आदि सरकारी जो
संस्थाएं हैं उनकी जमीनों पे चल रही है और लाखों रुपए उन्होंने गरीबों में बांटते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो अपनी जेब से डालते हैं। उन पे आरोप इस बारी क्या लगाया कि उन्होंने 2 लाख रुपए की किसी से रिश्वत ले ली। कितने लाख की? 2 लाख की। तो आप ये जनता मानने को तैयार नहीं है। सीडी केस जो इन्होंने पकाया उसका पूरी तरह ये कोर्ट में आया, पूरी इंक्वायरी हुई, पता नहीं कितने हजारों पेज की इन्होंने चार्जशीट बनाई। देखो हमारे कानून में भी ऐसा है कि अगर मैं मुखिया हूँ, पुलिस मेरे नीचे है, मैं किसी के बयान पे किसी को भी अंदर कर सकता हूँ, बाद में उसके ट्रायल होता रहेगा, क्या होगा क्या नहीं हुआ। इसी तरह अब जो ट्रायल कोर्ट में जब यहाँ मैं बीच में रोकूं सर, एक बात, आप कहते हैं सीडी कांड का आरोप लगाए गए, लेकिन वो आरोप तो खुद आप ही की पार्टी में मौजूद इस वक्त जो विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने लगाया और उन्हें वापस पार्टी में भी ले लिया गया। आप इसमें थोड़ी गलतफहमी कर रहे हैं, ये भी पूरी नॉलेज नहीं है आपको। लेकिन विजय सिंह मनकोटिया इस वक्त शामिल है आपकी पार्टी में, आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। ये तो जो आरोप लगाए थे ये मिस्टर कटवाल थे जिन्होंने सीडी आउट की, बिल्कुल ये भी लोगों को पता नहीं है कि भी वो मनकोटिया जी ने लगाए कि किसने लगाए। लेकिन मनकोटिया जी तो साफ तौर से खुलकर बोल रहे हैं, जी ने तो ये कहा था कि ये मेरे को सीडी किसी ने भेजी है। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं उन्होंने लीक तो उन्होंने ही तो दी पब्लिक को आगे। पहले तो बात है कि सीडी की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये बिल्कुल मानने की बात है कि उन्होंने ये जो सीडी जो है उनके थ्रू प्रेस में गई थी। बिल्कुल, हम वही कहना चाह रहे हैं, रोल जो था वो क्या है क्या नहीं है वो तो जनता ही जानती है। पर ये आपकी बात ठीक है कि सीडी जो रिलीज की थी बिल्कुल वो उन्होंने की थी और बाद में जो है ये कटवाल साहब मिले और कोई और लोग मिले और क्या नहीं। लेकिन मेरा सवाल छानबीन और डिफेमेशन चला हुआ है उसको। बिल्कुल, मेरा सवाल यहाँ थोड़ा अधूरा इसलिए रह गया, कहते हैं जो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पहुंचती है, जनता के बीच पहुंचती है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, वो एकजुट होने चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ इतना बड़ा मनमुटाव चल रहा हो पहले से और वो पार्टी ना आए तो वो एकजुटता वो जनता तक कैसे जाएगी? डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसा चलता है। अभी धूमल साहब की सरकार है, शांता जी और उनके मंत्रियों ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि एक एक मिनिस्टर को तो रिजाइन करना पड़ा मिस्टर बिंदल को। तो आप सब पार्टियों में ऐसे देखिए ना, बराबर से देखिए उनके वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जो शांता कुमार जी ने कहा इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसका क्या मतलब हुआ? अभी 2 महीने पहले की बात है, मनकोटिया जी की बात तो आप कई सालों के पहले की कर रहे हैं। कृष्ण कपूर, रमेश धवाला और कई हरि नारायण सैनी जैसे लोगों ने इन पे इल्जाम लगाए धूमल जी के, और बिंदल साहब का तो ऐसा इल्जाम था कि उनको अपनी अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री से जाना पड़ा। तो आप ये यहाँ की पार्टियां ले लीजिए, बाहर की पार्टी ले लीजिए, ऐसा रोप ये सारा कुछ चले। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से बार बार सीधे तौर से प्रचार किया जा रहा है कि बीजेपी अपने विकास कार्यों पर जनता से वोट मांगने जाएगी, जो उन्होंने सड़कें बनवाई, जो उन्होंने रोजगार दिया। मैं पूरा करूँ सवाल, मैं ये सवाल पूरा कर लूँ उसके बाद आप जवाब दीजिएगा सर। जो रोजगार दिया गया, जो सड़कें बनवाई गई, इसके अलावा वो साथ बार बार ये भी कहते हैं कि हमारे पैकेज रोक दिए गए, हमारे पैकेजों पर रोक लगवाई, खुद वीरभद्र सिंह जी ने लगवाई। उनके एक नेता का तो यहाँ तक कहना है कि मेरे पास सबूत तक है कि उन्होंने मुझे खुद आकर कहा कि हाँ मैंने रुकवा दिए हैं आपके पैकेज। ऐसे है, सबूत लाएंगे सामने तो कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये सिर्फ जो केंद्र से मदद आ रही है उसकी बैसाखियों पे चल रही है। एक एक प्रोजेक्ट, चाहे नरेगा का हो, चाहे JRNUM का हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हो, हॉर्टिकल्चर मिशन का हो, ये जो इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय एक पॉली हाउसेस की स्कीम चली, या आप सर्व शिक्षा अभियान का लो, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से सरकार चल रही, नहीं तो इनके पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आप ये सारी सेंटर की स्कीमें और इनकी लापरवाही देखिए या नलायकी देखिए, 10,000 करोड़ रुपया जो पिछले 5 साल में आया वो ये अनयूटिलाइज रहा। हमने प्रेस में दिया है सारा कुछ कि किस किस महकमे के कितना कितना अनयूटिलाइज गया, वो सारा उसका जवाब दे, जवाब क्यों नहीं देते उसका? लेकिन वो बार बार कहते हैं कि हम विकास करते हैं, आम आदमी का भला सोचते हैं, वो बड़े लोग हैं, वो सिर्फ प्रचार करते हैं। ऐसे है कि अगर झूठ में ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ये जैसे मैंने आपको कहा, हिमाचल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं पता कि जो 108 की एम्बुलेंस चल रही है यहाँ जिसमें धूमल साहब ने अपनी फोटो लगा दी, वो पैसा कहाँ से आया? ये आया नेशनल हेल्थ रूरल मिशन से, और एक छोटा सा इधर दूरबीन से पढ़ना पड़ेगा जिसमें लिखा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और ऊपर लिख लिया अटल बिहारी वाजपेयी और अपनी फोटो लगा दी, बिंदल साहब की फोटो लगा दी। करोड़ों रुपए में एम्बुलेंसेस आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इसी प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आई। इसमें तो बल्कि जो एम्बुलेंसेस खरीदनी थी उसमें घोटाला कर दिया, उसमें भी 7 करोड़ का कोई कहते हैं उसके लेन देन हो गया खरीद फरोख्त में एम्बुलेंसेज के, वो भी एक केस चल पड़ा, इंक्वायरी चल पड़ी अलग अलग। तो इसी तरह नरेगा में है,
1500 करोड़ रुपया हर साल आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? इसी तरह जवाहरलाल नेहरू मिशन से जितनी बसें आज आप शिमला में देख रहे हैं उसी पैसे से चल रही हैं। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान में मास्टरों के तनख्वाह से लेके बच्चों की वर्दियों से लेके बैग से लेके सब्सिडाइज्ड, लेकिन अटल वर्दी योजना की बात तो बीजेपी करती है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि अटल जो इन्होंने उस योजना का किया 2009 से 2010, 2010 से 2011 दो साल ये वर्दियों का पैसा सरेंडर करना पड़ा 42 करोड़ रुपया, और ये अब जाके जब 6 महीने इलेक्शन को रह गए तो ये इन्होंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया पैसा, ये कहा कि ये तो मैं अपनी मुख्यमंत्री योजना बना के दे रहा हूँ। या मैं तो इस किस्म का लोग जानते हैं यार, ये पढ़े लिखे लोगों का यही फायदा कि ये कहाँ से आ रहा पैसा। अभी आप किसी गांव में जाओगे तो उससे पूछोगे यार आपने अपने बागवानों पे, बागवानों ने अपने नेट लगाए हुए हैं या आपने पानी की स्कीम लगाई, इसकी कितनी सब्सिडी आई, तो बताएंगे आपको कितनी। अगर उनसे पूछो भी एक कैसे कौन से डिपार्टमेंट से आई, तो कहेंगे जी ये नेशनल रूरल हेल्थ रूरल हॉर्टिकल्चर मिशन से आई या एग्रीकल्चर मिशन से आई। जो पॉली हाउसेस की स्कीमें आई उसने कर दिया दीनदयाल उपाध्याय पॉली हाउसेस, भाई पैसा कहां से आया? ये देखने की बात है, ये तो सारा फिगर्स और फैक्ट और फिगर में है।